सत श्री अकाल साडे वाला टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरजसी कौर न्यूजीलैंड के नाल संबंधित कुछ खास खबरां लेके हाजिर हाँ। तीन महीनों बाद आखिरकार हुण ऑकलैंड के बॉर्डर खुले जा रहे हैं ते इस दे बारे जानकारी बीते दिन प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच दित्ती गई है। इस मुताबिक 15 दिसंबर तो ऑकलैंड दे बॉर्डर खोल दिते जाणगे। प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन दे वल्लों जानकारी सांझी करदिआं दस्सिआ गिआ है कि 14 दिसंबर राती 11:59 तों लैके ऑकलैंड दे बॉर्डर खोल दिते जाणगे, जिस तों बाद ऑकलैंड वासी ऑकलैंड तों बाहर जा सकणगे। इस विच कुछ शर्तां जरूर रखियां गईआं ने। यात्रियों नूं कोविड-19 वैक्सीनेटड होना लाजमी है, जां फिर 72 घंटे पहलां दा कोविड-19 टेस्ट नैगेटिव दिखा के उसका प्रूफ कोड रखना लाजमी होगा। दस दिए यह रिक्वायरमेंट 15 दिसंबर 2021 तो लैके 17 जनवरी 2022 तक जारी रहन गया। उधर प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन के वालों ये भी कहा गया है कि पुलिस हालांकि बॉर्डर के उत्ते मौजूद नहीं रहेगी, पर स्पॉट चैक जरूर हुंदा रहेगा। किसी को भी रोक के पुलिस जानकारी जरूर ले सकती है। उधर नियम तोड़न वाले $1,000 तक का फाइन भी किया जा सकता है। ये भी दस दिए कि एयरपोर्ट के उत्ते यह वैक्सीन पास दिखाना लाजमी होगा, जो फिर अपना कोविड-19 का नैगेटिव टेस्ट का प्रूफ भी। न्यूजीलैंड ट्रैफिक लाइट सिस्टम हुण क्रिसमस तो पहला जारी हो जाएगा, ये कहना प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन का। प्रधानमंत्री के मुताबिक न्यूजीलैंड वासी बीते कुछ समय तो कोविड-19 के नाल काफ़ी मुशक्कत कर रहे हैं, तो काफ़ी परेशानी के भी रहे हैं, खास करके ऑकलैंड के वाइकाटो के लोग। और यह भी कहा कि 29 नवंबर को कैबिनेट के नाल मीटिंग तो बाद इस उत्ते फैसला लिया जाएगा, तो ट्रैफिक लाइट सिस्टम शुरू करने की तारीख भी जरूर दसी जाएगी। उन्होंने भी कहा कि ऑकलैंड फिलहाल रेड अलर्ट ही रहेगा, जिसके मुताबिक लोगों को वैक्सीन का प्रूफ लैके ही बाहर जान दिता जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बाकी न्यूजीलैंड भी इस ट्रैफिक लाइट सिस्टम के लागू होने बारे 29 नवंबर को ही जानकारी साझी की जाएगी, पर वैक्सीन के पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी ने। कोविड-19 की वैक्सीनेशन सेहत कर्मचारियों के लिए लाजमी की गई है, तो 16 नवंबर का दिन इन्हां दे लई आखिरी तरीक रखी गई थी ताकि वह अपने आप नूं वैक्सीनेटड कर लैन, पर बहुत सारे कर्मचारियों के वल्लों हजे भी वैक्सीन नहीं लगवाई गई, तो बीते दिन 1300 के करीब कर्मचारियों नूं काम तो कर दिता गया। जानकारी मुताबिक 1309 के करीब अजिहे कर्मचारी ने जिन्होंने कोविड-19 की एक भी वैक्सीन नहीं ली है। इन्होंने 463 के करीब नर्सा 67 के करीब मिडवाइफ भी शामिल ने, तो इन्हों हूँ काम तो कर दिता गया। दस दिए कि वाइकाटो डिस्ट्रिक्ट हैल्थ बोर्ड के सबसे वध कर्मचारी काम तो कढ़े गए ने। इत भी दस दिए कि पूरे देश भर के 80,000 के करीब सेहत कर्मचारियों के 1.6% अजिहे कर्मचारी ने जिन्हों वालों वैक्सीन नहीं लगवाई गई थी, तो हुण उन्होंने अपनी नौकरी तो हाथ धोना पिया। न्यूजीलैंड बीते दिन कोविड-19 के कम्यूनिटी 194 नवे केस दर्ज किए गए ने। इन 180 केस ऑकलैंड ने, इस दे नाल 4 केस वाइकाटो दे विच ने, 5 केस वाइकाटो दे विच, 3 केस नॉर्थलैंड दे विच ते 6 केस लेक्स डिस्ट्रिक्ट दे विच ने। उधर नॉर्थशोर हस्पताल दे विच भर्ती एक 60 साला व्यक्ति की मौत भी बीते दिन सेहत महकमे वालों दर्ज की गई है। जानकारी मुताबिक इस 60 साला व्यक्ति 4 नवंबर को कोविड के लक्षणों के नाल हस्पताल दे विच भर्ती किया गया सी, ते बीते मंगलवार उसने दम तोड़ दिता। उधर क्राइस्टचर्च दे विच भी एक कोविड-19 का केस दर्ज किया गया। दस दिए कि यह केस ऑकलैंड के नाल ही संबंधित दसा जा रहा है। यह केस 13 नवंबर शनिवार के दिन ऑकलैंड तो फ्लाइट NZ-1295 के क्राइस्टचर्च गया सी। फिलहाल इस बारे जांच जारी है, तो इस दे नज़दीकी संपर्कों के बारे भी पता लगाया जा रहा है। इस तरह हुण तक दीआं कुछ खास खबरां, नवीआं ते ताज़ा तरीन जानकारी दे लई तुसीं बने रहो साडे वाला टीवी दे नाल। हुंदे हो इजाजत, सति श्री अकाल।